अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शिक्षक सम्मान समारोह हुआ संपन्न। सेवानिवृत्त शिक्षकों व शासकीय एवं अशासकीय शिक्षकों का हुआ सम्मान। शिक्षा ही मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति का आधार है। उपस्थित शिक्षकों का सम्मान करते हुए विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने कहा कि हमारी प्रथम गुरु मौ होती है, जो हमें सही गलत के बारे में पाठ पढ़ाकर शिक्षा के मंदिरों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजती है। जहाँ पर गुरुजन बच्चों के भविष्य को संवार कर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उक्त उद्गार विधायक श्रीमंत पवार ने नगर निगम सामान्य प्रशासन एवं शिक्षा समिति के द्वारा स्थानीय मल्हार स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। इस अवसर पर महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने उपस्थित शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम में सभापति रवि जैन, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव, नेता सत्तापक्ष मनीष सेन, निगम सामान्य एवं शिक्षा समिति अध्यक्ष पिंकी संजय दायमा, आयुक्त रजनीश कसेरा, वित्त एवं लेखा विभाग समिति अध्यक्ष अजय तोमर, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समिति अध्यक्ष रामदयाल यादव, पार्षद राहुल दायमा, खुशबू नीलेश वर्मा, ऋतु सवनेर, भूपेश ठाकुर, विकास जाट, महेश फुलेरी, पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण वर्मा, राज वर्मा, नीलेश वर्मा, मुकेश मोदी, संजय से ठाकुर, गोपाल खत्री, उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया, स्वच्छता एम्बेसडर विष्णु वर्मा, महेश सोनी, अशोक देशमुख आदि सहित सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देवास विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री यादव ने अपने उद्बोधन में गुरुजनों का नमन करते हुए कहा कि हम सबके जीवन की उन्नति का आधार ही गुरुजन की समय समय पर दी गई शिक्षा एवं मार्गदर्शन है। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। अतिथियों का स्वागत शिक्षा समिति अध्यक्ष पिंकी संजय दायमा, पार्षद प्रतिनिधि संजय दायमा के द्वारा पुष्पगुच्छ से किया गया। दो सेवानिवृत्त शिक्षकों ओम प्रकाश कानूनगो, श्रीमती अंजलि पत्की के पाद्य पूजन अतिथियों द्वारा किए गए। इस अवसर पर 22 सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय शासकीय तथा अशासकीय स्कूलों के 90 शिक्षकों के साथ ही 15 शासकीय श्रेष्ठ विद्यालय एवं 5 अशासकीय श्रेष्ठ विद्यालय के पदाधिकारियों का सम्मान शाल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन पंकज वर्मा ने किया तथा आभार पार्षद प्रतिनिधि संजय दायमा ने माना। तो निश्चित रूप से एक और महत्वपूर्ण भूमिका आपकी इस देश को करने में भी काम आएगी। आप सब लोग यहाँ बड़े लंबे समय इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भूमिका रहेगी, तो निश्चित रूप से देश वापस इस गुरु की ओर जो बढ़ने हमारे कदम है उस हम और तेजी से बढ़ पाएंगे। मैं आप सब लोगों के चरणों में एक बार पुनः कार्यक्रम का शिक्षक सम्मान समारोह का कितने शिक्षकों का सम्मान किया गया है यहाँ पर आज? भैया नगर निगम देवास द्वारा शिक्षा समिति द्वारा यह प्रतिवर्ष शिक्षक सम्मान किया जाता है 5 सितंबर के रोज, और आज हमने रिटायर्ड शिक्षकों को 22 शिक्षकों का सम्मान किया है। साथ ही साथ उत्कृष्ट विद्यालय और प्राइवेट उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया है। कितने शिक्षकों का सम्मान किया गया है? लगभग 80-90 शिक्षकों का सम्मान किया गया है। मुख्य अतिथि वगैरह कौन? मुख्य अतिथि हमारे यात्रा जी पवार साहब विधायक साहब रही हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव जी और महापौर गीता अग्रवाल जी और रवि जैन साहब सभापति और नेता सत्तापक्ष मनीष सेन साहब और मेरे सभी पार्षदगण साथीगण अतिथि थे।